हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करेंगे। आज हमारे उसका दिखाने वाले और क्या नई जानकारी देने वाले, ताकि हमारे कुछ फायदा मिल सके। मिलते हैं दीपक भाई से। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे उसका क्या दिखाने वाले हो? सिरोही, गुजरी और अजमेरी के बकरी है, प्रेग्नेंट बच्चे भी है और ब्रीडर भी है। अच्छा, तो सिरोही, गुजरी, अजमेरी की आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल बच्चे और ब्रीडर भी आपके पास अभी अवेलेबल है? सोजत के दो बच्चे भी अवेलेबल है। अच्छा, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया पट्टी क्या होती है और पट्टी से माल कैसे सेल आउट होता है और पट्टी से खरीदे कैसे, ये सब चीज़ें जानकारी दीजिए आज पट्टी के बारे में। ना ही किलो के बारे में आज कोई जानकारी नहीं करेंगे, आज करेंगे बात पट्टी के हिसाब से। तो पट्टी होती क्या है? पट्टी में क्या होता है, मान लो ये 25 बकरों का लॉट है। अच्छा, अब 25 बकरों में आपको पता होना चाहिए कि टोटल एवरेज वजन कितना आएगा। अच्छा, एवरेज वजन या एवरेज मटन। अच्छा, एवरेज मटन या एवरेज वजन दोनों आपको पता होना चाहिए, तब जाके पट्टी में खरीद सकते हो आप। अच्छा, और आपको ये नॉलेज ना हो तो वजन से ले लो। अच्छा, यानी कि अगर आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस, आपके पास नॉलेज ना हो, आपके पास फर्क हो सकता है, 1-2 किलो का फर्क तो हमारा भी रहता है और आपका भी रहेगा। हाँ, एक प्रॉपर मतलब ये प्रॉपर ही कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसकी एवरेज है 50 किलो। हाँ, अब उसमें 48 किलो भी निकल सकता है, 52 किलो भी निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि ये बात बताइए, ये आपको एवरेज आना, आपको एवरेज पता होनी चाहिए, जरूरी है। अच्छा, यानी 48-50 किलो मटन मैं धार रहा हूँ, मैं एस्टीमेट लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर 25 किलो मटन है। अच्छा, मटन के हिसाब से जिन्हें देखना चाहते हो तो मटन का रेट जहाँ लेने जाते हो वहाँ का मटन का रेट देखना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके वहाँ पर आप जैसे कि लेने जा रहे हो, जैसे अजमेर लेने आ रहा है कोई बंदा, हाँ, आपके फार्म पे लेने आ रहा है, हाँ, तो अजमेर का मटन, अजमेर का मटन रेट हिसाब से देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। अब आसाम का बंदा आ रहा है मेरे पास, तो आसाम का मटन का रेट है 800 रुपया, झारखंड में 700 रुपया मटन का रेट है, बंगाल में 800 रुपया है, त्रिपुरा में 1100-1200 रुपये मटन का रेट है। तो जिस जगह जा रहा है वहाँ का मटन का रेट देखना है। यहाँ 560-570 रुपये मटन का रेट चल रहा है होलसेल। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आपका कहने का मतलब सीधी सी बात यह है इनकी कि जैसे कि आप जहाँ से देखना चाह रहे हो वहाँ पर मटन का रेट चेक करें। और दूसरी बात ये रही कि जैसे कि मटन की रेट की बात अलग हो गई, अब जैसे कि भाई का जो आंसर है, जो आंसर चाहिए अपने को क्वेश्चन कहती है, जो मट्टी पट्टी क्या होती है, पट्टी का नॉलेज दीजिए। मतलब कि एक पट्टी एक यानी लॉट। हाँ, लॉट को बोलते हैं पट्टी। पट्टी यानी लॉट होता है, लॉट होता है। लॉट में 25 बकरी की पट्टी रहती है, 10 बकरों की पट्टी रहती है, 10 बकरी की पट्टी रहेगी। अच्छा, तो जैसे कि वो तो किसान पे डिपेंड करता है कि वो कितने बकरियों का लॉट बनाता है। अब मान लो ये 25 दिन का पट्टी है, हाँ, उसमें से आपने 3 बकरी हटा दी, हाँ, तो उसका रेट अलग हो जाएगा। अच्छा, वो पट्टी पूरी अलग हो जाएगी रेट। तो जैसे कि पट्टी की खरीदी कैसे करें? वो पट्टी मैंने आपको बता दिया ना, हाँ, कि आपके पास दो नॉलेज होना चाहिए, अप्रोक्स वेट या अप्रोक्स वजन मटन। अच्छा, मान लीजिए मैं अगर खरीदी कर रहा हूँ 25 नंग की, मैं पूरा ले रहा हूँ पट्टी, आपने बताई 25 नंग की, तो ये पट्टी कितने हिसाब से बताओगे, क्या रेट से बताओगे? ये पट्टी पड़ेगी आपको कम से कम 16,000 की। यानी 16,000 की आपको पट्टी ये पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए मैं उसमें भावतोल करता हूँ, 16,000 की आपने पट्टी बताई, उसमें मैं भावतोल करता हूँ करीबन, मैं लगा रहा हूँ 15,000 रुपये, ठीक है, आप 15,000 के। अब ये नजदीक का सौदा होगा। हाँ, अब नजदीक का सौदा में क्या होता है, अब मैं 16,000 बता रहा हूँ, कस्टमर बता रहे 10,000 रुपये, सौदा नहीं बनेगा। यानी कि ये बात तो बिल्कुल, वो तो सौदे वाली बात है, बाकी मान लीजिए मैं 15,000 अभी रेट लगा रहा हूँ, ठीक है, अब कस्टमर 15,000 में एग्री है, जैसे मैं कस्टमर पे 15,000 में एग्री हूँ और आपने 16 बताया, मैंने 15 बताया, आपने एग्री कर लिया, ठीक है, तो अब मैं उसको 15,000 में लेके जा रहा हूँ यहाँ से, तो ये बकरी मान लीजिए 50 किलो का होगा वजन, एवरेज 50 किलो वजन, 50 किलो वजन होगा, ठीक है, बकरा भी है ना। हाँ, बकरे का रेट अलग होता है ना। नहीं बिल्कुल, वो बात मैं आपको पूरी बता रहा हूँ कि जैसे मैं 50 किलो का माल ले रहा हूँ 25 नंग 15,000 के भाव से, तो उसको मैं बेचूंगा कैसे फिर उसको? तो पट्टी के हिसाब से बेचना चाहता तो पट्टी के हिसाब से बेचो। अच्छा, अगर मैं बेचूंगा तो मैं लॉट बनाऊंगा। आप मान लो बिहार से हो, झारखंड से हो, हाँ, अब झारखंड में मटन का रेट 700 रुपये, आपने पट्टी का रेट हिसाब से 250-500 रुपये पट्टी, 550 रुपये के मटन का रेट लिया है जी, तो 350 हिसाब से गिन लो, हाँ, कितना रुपया बन रहा है, 18,000 बन रहा है, यानी कि अभी 19,000 बन रहा है। 50 किलो की बकरी का अगर मैं 350 रुपये किलो इंटू कर दूँ, हाँ, यानी 17,500-18,000 रुपये आपको कीमत आ जाएगी, हाँ, तो अगर मैं उसको भाव रखूंगा 17,500-18,000 वहाँ पर, हाँ,
अच्छा, यानी 19,000 भी रखूंगा सामने वाला 17,500 तक डन हो जाएगा, यानी 2-3 हजार मुनाफा। तो सबसे बेस्ट मुझे लगा किलो से दाम से ज्यादा अच्छा ये पट्टी का दाम। वो तो कस्टमर कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब कस्टमर बोल रहा है मुझे वजन से चाहिए, कस्टमर बोलता है मुझे पट्टी से चाहिए। अच्छा, हम तो दोनों तरह से देते हैं, हम तो कमीशन भी देते हैं। अच्छा, और जैसे कि अगर ये बकरा है, अब बकरा अकेले लेने जाए कितने तक पड़ जाता है? बकरा पड़ जाएगा कम से कम 19,000 रुपये। और पट्टी में लेना 15,000 पड़ रहा है। ये साथ में आ रहा है ना, बकरी भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं। मान लीजिए अगर ये सोजत का बच्चा है, हाँ, अभी सोजत का बच्चा कम से कम गिरेगा 12,000 बिकेगा। हाँ, और जैसे कि बकरी खुजा रही है, जैसे वो लाल अजमेरी जो है, अब वो अकेले लेने जाओगे, उसका वेट है 70-80 किलो। 70 किलो, हाँ, तो उसको 250-700 किलो, 18-19 हजार की बकरी की, उसमें तो कस्टमर का बेनिफिट है ना। तो उसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, हाँ, हल्के भी तो। अब तो सर जी देखो सब चीजें पूरी एवरेज आएगा ना, टोटल हम क्या गिनेंगे, पट्टी में एवरेज गिनते। अब हर कोई कस्टमर आएगा ये सोचेगा मैं मेरे गला हूँ, मेरे बलाऊं। मैंने वलसाड में माल दिया है 30 बकरे की पट्टी, हाँ, उसमें 9 बकरे सोजत के, 9 बकरे सोजत के, यानी तो चांदी हो गए उनके। 9 बकरे सोजत के वो 14,000 की पट्टी से दिए। अच्छा, यानी सीरो के दाम में सोजत भी चलेगी। तो वो पट्टी वही होती है, पट्टी तो मुनाफा ही देती है सर जी। देखो अब उसके अंदर 9 बकरे सोजत के थे, 6 बकरे कोटा के थे। अच्छा, यानी कि 15 खाली सिरोही अजमेरी थे, 15 सिरोही गए, बाकी तो पूरा 15-20 नहीं, तो वही कोटा और सोजत ही गए। कोटा 300 रुपए किलो है, सोजत 350 रुपए किलो है। वाह, पट्टी में वही आपको फायदा रहता है, यानी सामने वाले को तो मौज ही पड़ गया। अब उसमें 2 सोजत के बच्चे भी है, हाँ, अब 2 सोजत के बच्चे है उसमें। अब उसको तो बेनिफिट ही है कि भैया जो लेके जाएगा उसको बेनिफिट ही है, अगर पट्टी से ले जाता है। बाकी अगर इसको किलो से देते हो तो क्या रेट चल जाता है? किलो के हिसाब से 250 रुपए किलो बकरी, बकरा 280 रुपए किलो। अच्छा, और सोजा 350 रुपए किलो। चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने पट्टी के बारे में, प्रॉपर जानकारी। बहुत सारी बकरियां हैं, 2-3 बकरी ऐसी है कि 80 किलो के आसपास की है। अच्छा, ये रेड कलर की बकरी 80 किलो की है, ये 70 किलो की है, ये 70 किलो के आसपास। साथ में बकरा भी तो बड़ा है, ये 70 किलो की जाएगी बिल्कुल। तो ये बात तो अच्छी जानकारी दी थी आपने। अगर मान लो जी 16,000 पट्टी आप दे रहे हो, तो बेस्ट है मेरे ख्याल से, ये बेस्ट रेट है, क्योंकि इसके अंदर सोजत भी है, बड़ी बकरियां भी है, हल्की तो बहुत कम लग रही है इसके अंदर। हल्की कम है, हल्की हल्के में 2-3 बच्चे है, 4 बच्चे। अब एक बच्चा तो देना नहीं है, जो आगे बच्चा खा रहा है वो देना नहीं है, मुझे माता जी को दिया हुआ है बकरा, यानी वो छोटा बच्चा तो हट ही जाएगा। सीधी सी बात है, तो पूरा का पूरा भारी माल है। हाँ, अगर ये 2 बच्चे सोजत के हैं और एक पट है सिरोही की, बस बिल्कुल, यानी कि कोने में है ना। और इसको अगर प्रेग्नेंट, वो भी 40 किलो की है। अच्छा, पट भी है 40 किलो की है, एक ही एक दो पट ही है खाली, एक ही पट है, एक ही पट है, और 2 बच्चे सोजत के, बस माली चाल का हल्के में। बाकी सारी बाकी 40 किलो से ऊपर का बद्दा सारा माल है, सारा माल आपको 25 के 25 में से मान लो 22 रंग पूरा का पूरा कम्प्लीटली, 20 रंग भी मानो बड़े भारी रंग है, 20 के 20 भारी रंग है। यानी कि अगर 16,000 की पट्टी से किसी को भी लेना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 9664072450 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। और आपका एड्रेस? मेरा एड्रेस अजमेर राजसर में फार्म है, शिखर रोड पे फार्म है। किस नाम से? रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूरी पे, जनाना हॉस्पिटल 2 किलोमीटर दूरी पे, श्री गोट फार्म और BRST गोट फार्म, दोनों एक ही फार्म है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो ऐसी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका कमेंट सेक्शन हम पढ़ते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे कॉल आते हैं जी चीटिंग के मामले में, जी उसी से सावधान रहिए, एडवांस पेमेंट ना करिए, फार्म पे आके पेमेंट करिए, फार्म देखिए, उसका बंदे का व्यवहार देखिए, बंदे को देखिए, उसके बाद पेमेंट करिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई हमारे पास चीटिंग हो गया जी, लेकिन आप रेट देखोगे तो चीटिंग होगा, पक्का होगा। यानी कि थोड़ा बहुत भी सावधान रखिए, जो मटन रेट चल रहा है उसके नीचे कोई भी दे रहा है तो आपके साथ धोखाधड़ी होने का खतरा है, रहता है ना। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, तो ऐसे सावधानी रखें और अपनी एक समझदारी यूज करें और दिमाग से अपन काम करें, और यहाँ पर आके किसी के भी फार्म पे जाए तो फार्म पे आके विजिट करें और पेमेंट दें। तो ऐसी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगले टॉपिक पे उस पर चर्चा की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।